एवरीवन, वेलकम बैक टू ससेम किचन मैजिक बाय मोनिका। आज हम मलाई से तैयार होने वाले सैंडविच बनाएंगे जो फटाफट तैयार हो जाएंगे, जिन्हें आप घर में तो खा ही सकते हैं, बच्चों की बर्थडे पार्टी या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है उसके लिए भी आप सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ये बहुत पसंद आते हैं। शुरू करते हैं। मलाई सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड। मैंने यहाँ ब्राउन ब्रेड ली है, आप चाहे तो अपनी मर्जी से कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा, गाजर, नमक, काली मिर्च का पाउडर और मलाई। आप चाहे तो इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सारी सब्जियों को बारीक बारीक चॉप कर लिया है और खीरे और टमाटर का सॉफ्ट भाग बाहर निकाल दिया है। अब हम अपनी सारी सब्जियां एक साथ मिक्स कर लेंगे। इसमें हम मलाई भी ऐड करेंगे, काली मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी सैंडविच की स्टफिंग अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम इसे ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करेंगे। दूसरी ब्रेड के ऊपर भी हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इसे हम इस ब्रेड के ऊपर रख लेंगे और एक और ब्रेड के साथ मैं इसे कवर कर दूंगी। इसी तरह हम अपने और सैंडविच भी तैयार कर लेंगे। अब हम ब्रेड के साइड्स को कट कर लेंगे। सैंडविच की साइड हमने कट कर दी हैं, अब हम इसे बीच में से कट करेंगे। सैंडविच बनकर हमारे तैयार हैं। आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, आप इन्हें तवे पर सेक भी सकते हैं और ग्रिल भी कर सकते हैं। जैसे आपका मन हो बनाएं और खाएं। ये सैंडविच हम पार्टी में, बच्चों की बर्थडे पार्टी में या घर में कोई गेट टुगेदर हो उसमें भी सर्व कर सकते हैं। इसके लिए हम इसे और प्रेजेंटेबल बनाएंगे और इसे बीच में से कट करके, मैंने अपने सैंडविच को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। मेरे पास कुछ बेबी टमाटो हैं, उन्हें मैंने हाफ कट करके एक टूथपिक में लगा लिया है और अब मैं इसे सैंडविच में लगा दूँगी। आप इन सैंडविच में टमाटो की जगह अगर आपके पास चेरीज हो, स्ट्रॉबेरी हो या फिर कोई भी सब्जी हो उसे कट करके आप उससे के साथ उसे डेकोरेट कर सकते हैं। कितने अच्छे सैंडविच और कितने जल्दी घर में ही बनकर तैयार हो गए हैं। आप इन्हें अपनी मनपसंद किसी भी शेप में काट सकते हैं। अगर इन्हें कुछ समय पहले बनाकर रख रहे हैं तो इन्हें इस तरह से क्लीन रैप करके रख दीजिए जिससे कि ये सूखे ना, और जब भी सर्व करना है ये एकदम फ्रेश तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।